हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा एंड यू वाचिंग मेघा स्कूल। फ्रेंड्स, आज मैं एगलेस डार्क चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ विदाउट अवन। मैं इसको हांडी में बनाऊंगी, तो चलिए देख लेते हैं पहले इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास है मैदा। ये 2 कप्स ऑफ मैदा है, मतलब ये 250 ग्राम मैदा लिया है मैंने। इसमें 2 कप्स ऑफ पाउडर शुगर है, जितना मैदा है उससे थोड़ा सा कम हम शुगर यूज़ करेंगे। इसमें दूध है बैटर बनाने के लिए, 75 ग्राम्स ऑफ बटर है, ये इसको रूम टेम्परेचर में लाया हुआ है। एंड इसमें दही है, योगर्ट ये 1 कप है। इसमें है मिल्क पाउडर, ये 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, 3 टेबलस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर है। इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी है 1 टीस्पून, 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून एंड वेनिला एसेंस ले लिया है 1 टीस्पून। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सब एक साथ हमें मिला के शेप कर लेना है। तो इसमें मैदा ले लिया, कोकोआ पाउडर 3 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैं एक विस्क की हेल्प से इसको पहले ऐसे मिक्स कर ले रही हूँ एंड नीचे से ये शिफ्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से ये जो शिफ्ट कर रहे हैं हम एंड ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगा। एंड केक के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सबको एक साथ अच्छे से मिक्स किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैंने इसको शिव कर लिया है एंड ये जो बचा हुआ रह गया है इसको हम फेंक देंगे। तो अभी दोबारा इसको हमें शिव करना है, तो फिर से ऐसे ही मिक्स करते हुए इसको शिव कर लेंगे हम। एंड अभी बचा हुआ जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले योगर्ट, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, अभी इसमें बटर ऐड करेंगे एंड फाइनली वेनिला एसेंस। तो इसको मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्स है हमें ऐड करना है। थोड़ा सा और एंड फिर से इसको मिक्स करेंगे एंड फाइनली द लास्ट पार्ट। तो इसको मिक्स करने के बाद बैटर को थोड़ा सा और हमें पतला बनाना है, तो हम दूध ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए, हमारा केक बैटर एकदम रेडी हो गया है एंड इसका ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए डार्क चॉकलेट केक बनाने के लिए। तो इसको अभी बेक करना है हमें। तो बेकिंग के लिए यहाँ पे एक बेकिंग टिन ले लिया है मैंने एंड इसके फ्लोर पे हमने बटर पेपर लगा दिया है, देखिए इस एंड बटर पेपर के ऊपर एंड ये जो साइड्स है साइड्स को भी मैंने बटर से ग्रीस कर दिया है। तो अभी इसमें ये बैटर हमें पोर करना है। जितना रह जाएगा उतने से कपकेक्स बन जाएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा क्रश चॉकलेट्स है मेरे पास, ये मिक्स करने जा रही हूँ। ये कंपाउंड चॉकलेट है तो पूरी तरीके से बेक होने के टाइम ये मेल्ट नहीं होता, डबल बॉयलर पे ही मेल्ट होता है ये। केक खाते वक्त जब ये मुंह में फिल होगा तो बहुत ही यम्मी लगेगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना है। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर देना है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रह जाए। एंड ये अभी कम्प्लीटली रेडी है बेकिंग के लिए। इसको मैं एज यूजुअल हांडी में बेक करने वाली हूँ। बेकिंग के लिए मैं यही हांडी यूज़ करती हूँ। तो इसमें देखिए, 1 कप सॉल्ट एंड ऊपर एक स्टैंड लगा दिया है मैंने एंड इसको 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे गैस पे रखा था, तो ये प्रीहीट हो चुका है। तो अभी हमें ये जो केक टिन है इसको बहुत ही केयरफुली हमें इसमें डाल देना है एंड इसको अभी लो फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद चेक करेंगे, ये बन जाएगा तो उसको निकाल लेंगे, नहीं तो और थोड़ी देर इसको रखना है। हांडी में लीड लगा दिया दोबारा,
तो अभी 30 मिनट्स के बाद देखते हैं। सो आफ्टर 35 मिनट्स अभी हम देखते हैं हमारा केक बना कि नहीं। देखिए ये एकदम लग तो रहा है कि बन गया है। एक नाइफ से ऐसे चेक करते हैं इसको। देखिए नाइफ एकदम क्लीन आया है एंड जितना हमने वो चॉकलेट डाला था वो चॉकलेट थोड़ा बहुत लगा हुआ है। तो अभी हम गैस ऑफ नहीं करेंगे, तो अभी बहुत ही केयरफुली इसको निकाल लेना है एंड ठंडा होने के लिए रखना है। एंड तब तक ये जो हमारा कपकेक्स है बचा हुआ बैटर से हमने जो बनाया था उसको बेक होने के लिए रख दिया है। तो अभी इसको और 10 मिनट्स हमें बेक करना है, उसके बाद ये भी बन जाएगा। तो अभी ये सारा केक्स जो है वो ठंडा हो चुका है लगभग। इसको भी हमने निकाल लिया था हमारा कपकेक्स। डिमोल्ड करने के लिए पहले ये जो साइड्स है साइड्स को हम अलग कर लेंगे एक नाइफ से। तो साइड्स को अलग करने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि नीचे बटर पेपर लगाया हुआ है। देखिए अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ऑयल से आप ग्रीस करो इसको एंड ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दो तो भी ये केक आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट है, कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसीलिए सॉफ्ट नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सॉफ्ट ही बना है। तो इसको मैंने प्लेट पे निकाल दिया। इस पे हमने बटर पेपर नहीं लगाया था, इसको ग्रीस करके एंड मैदा डस्ट कर दिया था तो ये भी आसानी से निकल आया है। इसका भी टेक्सचर देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी है। अभी इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। इसको मैंने डेकोरेशन के लिए बनाया है, एक बर्थडे केक डेकोरेशन करना है मुझे तो इसीलिए ऐसे काट रही हूँ मैं। देखिए देखिए इसका टेक्सचर, इसके अंदर जो चॉकलेट मैंने डाला था वो ये सारा है। तो ये बहुत ही आसान सा रेसिपी है डार्क चॉकलेट केक का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। एंड ये बेस केक है, इसको आप इजीली डेकोरेशन कर सकते हैं। आई होप डार्क चॉकलेट केक की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। एंड ऐसे ही मोर यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मेघाज क्विजिन को। इससे पहले मैंने आपसे एगलेस आटा वनीला केक का रेसिपी भी शेयर किया था, जिसका रेसिपी आपको ये वाली लिंक पे मिल जाएगी, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।